नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग गुरुज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आइए आज बात करते हैं कि कोई गाय भैंस यदि अपने पेशाब में खून गिराने लगती है तो वह शरीर से बड़ा कमजोर हो जाती है और कई तरह की समस्याएं उसके सामने आती हैं। बड़ा ही साधारण और छोटा देसी नुस्खा इसके लिए है, बिल्कुल सरल उपाय है। तो आइए अपनी बात शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपने इस चैनल को दिया है। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक किया, और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को साइड में जो सब्सक्राइब बटन उसको दबा लें और साथ में घंटी के निशान को भी दबा लें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। इसका सिर्फ यही एक फायदा है कि कभी कोई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे इस चैनल पर बहुत कम वीडियो आती क्योंकि ये मेरा पार्ट टाइम काम है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, तीन तरह से पेशाब के अंदर खून आता है। कई बार तो बिल्कुल जब पशु पेशाब करना शुरू करता है तो स्टार्टिंग में ही उसके साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है, या दूसरी अवस्था में कुछ से उसने पेशाब कर लिया होता और बीच में खून आने लगता है, या फिर लगभग वो पेशाब कर चुका होता है उसके अंत में जो है पेशाब के साथ मिलकर खून आता है। तीनों के अलग अलग कारण हैं, लेकिन इलाज सबसे बढ़िया इलाज एक ही है दोस्तों और सब जगह आसानी से मिल जाता है, यह है। ये आप अभी देखेंगे मेरे हाथ में कोकोनट, इसको बोलते हैं नारियल, कच्चा नारियल इसको बोलते हैं। इसको जब आप कच्चे और पक्के की पहचान क्या होगी, जब ऐसे हिलाएंगे तो इसके अंदर पानी की आवाज आपको सुनाई देगी, पानी बजता हुआ सुनाई देगा, इसका मतलब यह कच्चा नारियल है। तो दोस्तों इसको छीलकर इसके अंदर जो गिरी निकलती है उस गिरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पशु को खिला दें। जो भी पीड़ित पशु है जिसके पेशाब में खून आ रहा है, एक नारियल एक टाइम पर खिला दें, चाहे गया बिनो चाहे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 9 पशु का तुरंत खून बंद हो जाता है, अगले टाइम ही बंद हो जाएगा। और उसके बाद परमानेंट यदि उसका इलाज चाहते हैं तो फिर आप छाछ में शक्कर मिलाकर भी उसको पिला सकते हैं। तो दोस्तों पशु के पेशाब में खून खासकर गायों को आता है तो आप कच्चे नारियल का फूल जिसको गिरी बोलते हैं वो निकाल कर खिला दें। इतनी छोटी सी बात है जो आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आम पशुपालक तक यह बात पहुंच सके। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।